मैं विवेक रुद्रा भूमि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके साथ एक बार लाइव आया हूं और आपको पता है कि जब भी मैं लाइव मुखातिब होता हूं आपके साथ तो आपके लिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा करता हूं। इसके पहले जो हमने लाइव सेशन आपके साथ किया था उसमें हमने आपको बताया था कि हम प्री 2022 को लेकर के कुछ स्पेशल प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं जिसकी श्रृंखलाएँ आगे आती रहेंगी और हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपको कुछ स्पेशल प्रोग्राम प्रीलिम्स 2022 की, चाहे वो आईएएस की हो चाहे पीसीएस की, उसको लेकर के हमने आपसे बात किया हुआ था और उसकी पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल भूमि आईएएस पड़ी हुई है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। वैसे भी आप भूमि आईएएस का अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वहाँ सारा सीरीज हमारी दिखाई पड़ेगी। तो उस पर बात ना करके हम इस बात पर बात करते हैं कि हमने आज का जो सेशन स्टार्ट किया वो इस बात के लिए कि आप हमारे पीछे बैकग्राउंड पर देख रहे होंगे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन को स्टार्ट करने के पीछे मोटिव ये है क्योंकि आप देखिए कि हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो प्री और मेंस दोनों को कवर करता है, लेकिन इसको लेकर के एक डायलेमा है, एक द्वंद है बच्चों के बीच में, क्योंकि इसके लिए मटेरियल्स भी इजली अवेलेबल नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में लगता है कि फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो ये दिमाग में बनाते हुए जब बच्चा इस चीज़ को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये इस सेगमेंट के क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाते हैं। और आप प्री और मेंस के अगर क्वेश्चंस देखेंगे या आईएएस प्री और पीसीएस प्री के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कल्चर वाले पोर्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि हम आपको सेगमेंट वाइज ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से, ऐसे ही लाइव सेशन के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें और आप तक हम अच्छी चीज़ें पहुंचा सकें जिससे आप अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकें। तो अभी जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है वो हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो हमारी क्लास होगी ये 9 मार्च से स्टार्ट होगी। जैसे आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि 9 मार्च से हम क्लास स्टार्ट करेंगे और 16 मार्च तक होगी, तो यानी कि लगभग 8 से 10 दिन की क्लास है और ये बैक टू बैक क्लास होगी। और ये क्लास जो हमारी है ये आप हमारे हाइब्रिड मोड में जाकर के हमारी क्लास कर सकते हैं। हाइब्रिड का मोड का मतलब यह है कि हमारी क्लास ऑनलाइन भी चलेगी, हमारी क्लास ऑफलाइन भी चलेगी। ऑनलाइन अगर आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमारा भूमि एजुकेशन का ऐप है, ये आपको दिख रहा होगा हमारा भूमि एजुकेशन का ऐप है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और उस पर आप हमारा डेमो भी देख सकते हैं, उसी के थ्रू अपना कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। दूसरा कि ये जो कोर्स हमारा है ये ऑफलाइन मोड में भी चलेगा, तो ऑफलाइन मोड में अगर आपको करना है तो आपको हमारे संस्थान भूमि आईएएस आना पड़ेगा जो कि वृंदावन योजना लखनऊ में है, वहाँ से आप इसको क्लास अपनी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इस क्लास को जो हमने संचालित करने का मोड अपनाया है उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला सवाल उठता है बच्चों के दिमाग में कि आखिर इस क्लास को कौन ले रहा है, फैकल्टी कैसी है, क्योंकि सारा दारोमदार तो फैकल्टी के ऊपर ही डिपेंड रहता है। फैकल्टी हम अभी आपको जो शेयर करेंगे, जो पब्लिक करेंगे, उनकी हमारी लेक्चर्स भी हमारे यूट्यूब चैनल से पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप उनकी काबिलियत चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी अपना आप डेमो ले सकते हैं। हमारी जो फैकल्टी है वो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है कि दिल्ली और प्रयागराज की सुपर फैकल्टी, यानी कि दिल्ली और प्रयागराज ही नहीं पूरे भारत के अपने अपने क्षेत्र में महारत रखने वाले और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं और खासकर कुछ ऐसी कोर टीम में मेंबर भी हमारे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। तो सिलेक्टेड अधिकारियों, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों और दिल्ली और प्रयागराज की सुपर फैकल्टी के साथ जो हमने एक टीम गठित की है उस टीम के साथ हम आपको ये क्लास लगातार संचालित करेंगे। और ये सारी टीम का जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्लास है, कहीं ना कहीं हमने उसको प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं आप तक वैधता प्रूव करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है जो भूमि आईएएस के नाम से, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो फैकल्टी के बाद दूसरा सवाल आता है कि क्लास का मॉड्यूल क्या होगा, क्लास का ड्यूरेशंस क्या होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्लास होगा आपको यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा होगा कि बैक टू बैक, बैक टू बैक का मतलब होता है कि इसमें संडे को भी आपकी क्लास होनी है। बैक टू बैक का एक मतलब और होता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर ऑफलाइन क्लास बंद होती है, किसी भी परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए इलेक्शन आ गया या कोई ऐसा कोई मिसहैपनिंग हो गई या जैसे कोविड प्रोटोकॉल अचानक जनवरी में बंद कर दिए गए, तो इन सारी परिस्थितियों में भी आपकी क्लास अपने तय समय पे, अगर 3 बजे से हमारी क्लास चलती है 3 से शाम को 6 बजे तक, तो 3 से शाम को 6 बजे तक वो क्लास हमारी लगातार चलती रहेगी, ठीक है ना।
वो क्लास आपको मिलती रहेगी, वो ऑनलाइन मोड में हम क्लास आपको संचालित करते रहेंगे। तो इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि क्लास किसी भी रूप में रुकने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ बैक टू बैक लिखा हुआ है। और जो क्लास का हमारा ड्यूरेशन है 3 से 3.5 घंटे का है, ये आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। क्लास की जो हमारी टाइमिंग है वो स्टार्ट होती है इवनिंग में 3 PM से और इवनिंग में चलती है 6:30 PM तक। ये हमारा मिनिमम क्लास का शेड्यूल है जिसमें हमारी क्लास आपकी चलेगी। तो 3 से 3.5 घंटे की रेगुलर क्लास होगी, बैक टू बैक क्लास होगी, हाइब्रिड मोड में क्लास होगी। हाइब्रिड मोड का मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास होगी। और क्लास जो है आपकी वो संडे को भी होगी, संडे की टाइम आपको पहले से अपडेट कर दिया जाएगा। अब कई बार सवाल उठता है कि हम इस क्लास को करें इसके लिए है कि हम इस क्लास से सर्टिफाइड होना चाहते हैं, आप जो बात यहाँ बता रहे हैं उसको हम क्लास में देखना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हमने प्रोविजन रखा हुआ है और ये पहली बार हमने किया है कि हमने अपने ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास, क्योंकि हमने जब क्लास आपको हाइब्रिड मोड में दिया है तो हम आपको हाइब्रिड मोड में डेमो का भी विकल्प देते हैं। तो आपको 2 डेज का फ्री डेमो मिलेगा, आप 2 डेज का फ्री डेमो लीजिए। आप ऑनलाइन भी डेमो हमारे भूमि एजुकेशन ऐप के थ्रू ले सकते हैं, ऑफलाइन डेमो आकर के आप हमारे संस्थान में विजिट करके ले सकते हैं। डेमो लेने के बाद आप अपनी चीज़ों को तय करिए कि हमें क्लास करनी है कि नहीं करनी है, ये आपका निजी विषय होगा। दूसरा ये है कि इस हमारे जो क्लास का मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में हमने कुछ ऐसे चीज़ों को रखा है जो अक्सर कहीं किसी में नहीं मिलती है, जिसके लिए बच्चों को एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन हमने उसको उस क्लास के मॉड्यूल में ही डाल दिया है। जैसे पहली बात यह है, हमने कहा कि जो डेली आपकी क्लास होगी, क्लास के बाद आपको एक क्वेश्चन मेंस के आंसर प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। एक क्वेश्चन क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको मेंस का दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप लिख करके ले आइए, सबमिट करिए, टीचर से चेक कराइए, एवेल्युएट कराइए। नेक्स्ट डे टीचर नेक्स्ट डे की क्लास में पहले 15 मिनट में जो उन्होंने आपको बैक डेट में क्वेश्चन दिया है उसका पूरा फ्रेमिंग आपको समझाएंगे, उसकी पूरी आंसर फ्रेमिंग करके आपको समझाएंगे कि उसमें मेन पार्ट क्या होना चाहिए था, सिंथेसिस क्या होना चाहिए था, मिडिल पार्ट क्या होना चाहिए था, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए था, कंटेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए थी, फ्रेमिंग कैसे की जानी चाहिए थी। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि हम आपको डेली बेसिस पे फ्रेमिंग भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो लगभग अगर आप मान के चलिए कि अगर 1 हफ्ते की हम बात करें तो 8 दिन आपके लगातार क्लास चल रही है, 7 दिन आपके लगातार चल रही है, इन 7 दिनों में आपको लगातार एक क्वेश्चन मेंस का मिल रहा है, यानी कि महीने में 30 दिन क्लास आपकी चलनी है। तो 30 मेंस के क्वेश्चन आप शेयर करेंगे और 30 मेंस के क्वेश्चन आप जो है फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे। तो ये हमारा मोटिव है कि हम आपको क्लास के साथ साथ ही फॉर्मेटिंग भी सिखा ले जाएं, जिससे हम आपका रिजल्ट जो है वो अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकें। तो आपको मेंस का हम प्रैक्टिस भी यहाँ देते रहेंगे। उसके बाद हमने आपसे बोला जो हमारी क्लास होगी, क्लास का जो मॉड्यूल्स होगा हमारा, हमारी क्लास बायलैंग्वल चलती है। बायलैंग्वल का मतलब हमारी द्विभाषीय क्लास है। क्लास द्विभाषीय का मतलब कि हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में संचालित की जाएंगी। तो ऐसे किसी भी विद्यार्थी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इंग्लिश में है या हिंदी में है, हम दोनों क्लास दोनों भाषाओं की क्लास एक साथ चलाते हैं, दोनों भाषाओं हमारी क्लास संचालित होती है और जो टीचर की कैपेबिलिटी है वो दोनों भाषाओं को लेकर के उनमें सहजता है, इससे कहीं भी आपको समस्या नहीं होने वाली है, इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं और इसकी प्रमाणिकता आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर के भी देख सकते हैं। तो क्लास आपकी दोनों माध्यमों में हम संचालित करेंगे। दूसरा ये है कि जो आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्लास नोट्स जिसको आप बोलते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ हर सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स आपको बनवाया जाएगा, एक एक लाइन फुल स्टॉप कॉमा तक लिखाई जाएगी, क्योंकि हमारा मानना यह है कि क्लास नोट्स से बेहतर कोई नोट्स नहीं होता है। प्रिंटेड नोट्स हम आपको देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको हर सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन जो क्लास नोट्स होता है, जैसे आज हम अगर आपको कोई चीज़ क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आज जब हम उस क्लास में उस सब्जेक्ट का उस टॉपिक का नोट्स लिखाएंगे, आंसर राइटिंग कराएंगे, तो हम आपको आज की डेट का अपडेशन भी उसमें करके रखेंगे, जो UPSC की सबसे बड़ी डिमांड है। तो हम प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं, नोट्स भी हम बायलैंग्वल ही बनवाते हैं, कहीं यह कोई समस्या नहीं होने वाली है, और जो नोट्स आपको दिए भी जाएंगे वो आपको बायलैंग्वल मिलेंगे, यानी कि आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में नोट्स ले सकते हैं, हिंदी वाले हैं तो हिंदी में नोट्स ले सकते हैं। तो नोट्स को लेकर के चाहे वो क्लास नोट्स हों चाहे वो प्रिंटेड नोट्स हों, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल उसको लेकर के निश्चिंत रहिए। दूसरा ये है कि जैसे अभी हमने आपको से कहा कि हम डेली आपको एक क्वेश्चन मेंस का देते हैं, वो तो ठीक है कि हम आपको डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वीकली टेस्ट का भी, साप्ताहिक टेस्ट का भी प्रोविजन है।
वीकली टेस्ट हम प्री और मेंस दोनों का लेते हैं। मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपके, जो भी पोर्शन आपने पिछले एक वीक में कंप्लीट किए हैं, उन पोर्शन से अगर मेंस का क्वेश्चन बन रहा है तो मेंस का, प्री का बन रहा है तो प्री का, अगर दोनों सेगमेंट का बन रहा है तो दोनों सेगमेंट के क्वेश्चन हम आपको टेस्ट पेपर के रूप में लेंगे। और सबसे खास बात इस टेस्ट पेपर की ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जाएंगे वो आपके उसी कोर्स से होंगे, उसी टॉपिक से होंगे और करंट अपडेटेड होंगे जो आपने पिछले एक हफ्ते में कवर किया है। और दूसरी खूबसूरती इसकी ये है कि जितने भी क्वेश्चन चाहे प्री के अगर दिए गए हैं तो उनका भी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास यानी कि सैटरडे को या संडे को आपका टेस्ट होता है तो मंडे की जो क्लास होगी उसमें पहले एक घंटे में प्रीवियस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना, वो हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। दूसरा ये है कि अगर मेंस का टेस्ट हमने लिया तो जितने भी क्वेश्चंस मेंस के हम आपको देंगे टेस्ट में उस पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे की क्लास में करवाएंगे। तो एक तरीके से आप देखिए कि मिनिमम हम 5 क्वेश्चन मेंस का आपको देते हैं टेस्ट में, तो 5 क्वेश्चंस ये हो गए और 7 क्वेश्चन आपके हो गए डेली बेसिस के, तो 12 क्वेश्चन आप एक हफ्ते में कवर कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन आप एक हफ्ते में कवर कर रहे हैं, आप इससे देखिए कि आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन एक हफ्ते में यानी कि 4 हफ्ते में 48 क्वेश्चन आप मेंस के केवल लिख रहे हैं, वो भी प्रॉपर इवैल्यूएशन हम आपका करते हैं, आपकी कॉपी पे हम प्रेजेंट करते हैं कि कहाँ गलतियाँ आपने किया था, इसमें कंटेंट क्या डालना चाहिए था। और दूसरा ये है कि उसका इवैल्यूएशन भी हम कराते हैं आपके पास फेस टू फेस लाइव आ करके पूरी फॉर्मेटिंग के साथ। तो आपके साथ हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आप इससे निश्चिंत रहिए, टेस्ट पेपर से इवैल्यूएशन भी हम आपका लगातार करते रहेंगे। और सबसे लास्ट बात ये है कि चूंकि ये जो सेगमेंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपके केवल प्री में है, इसका जो कल्चर वाला पोर्शन है वो आपके मेंस में भी है, तो हम इस सेगमेंट को आप देख रहे होंगे कि हमने इसको टारगेटेड बैच दिया है, टारगेटेड बैच फॉर प्रीलिम्स 2022 IAS PCS 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के ये टारगेटेड बैच है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, जहां हम हिस्ट्री के पोर्शन को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट कराएंगे कराएंगे ही, साथ में हिस्ट्री के पोर्शन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन में जो कल्चर वाला पोर्शन है जहां से प्री में क्वेश्चन आते हैं, जहां से प्री में सेगमेंट में क्वेश्चन बने हैं, उन क्वेश्चनों का भी हम डिस्कशन यहां करेंगे। तो ये पूरी तरीके से टारगेटेड बैच है, ये पूरी तरीके से प्री टारगेटेड बैच है, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि 25 से 30 घंटे की बैक टू बैक क्लास, हफ्ते में 48 क्वेश्चंस प्लस प्री के टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ कंप्लीट कराने वाले हैं। हमने आपसे कहा क्लास के दौरान हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन भी क्लास में करते हैं। अगर एग्जाम्पल लीजिए कि हमने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ अगर कोई प्री में क्वेश्चन बना है तो उस टॉपिक को पढ़ाते समय वो मेंस का क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन वहां डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर उस सेगमेंट से मेंस का क्वेश्चन बना है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाते समय मेंस का क्वेश्चन भी हम वहां डिस्कस कर लेंगे। दूसरा ये है कि अपकमिंग एग्जाम के लिए हम कुछ टेस्ट पेपर भी आपको गेस्ट पेपर के रूप में सॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से ये जो टारगेटेड बैच है, इस टारगेटेड बैच में हम आपको क्लास देंगे, आपकी पूरी क्लास में हम 25 से 30 घंटे क्लास में पूरी एंशिएंट इंडिया आपकी ख़त्म करेंगे, एक एक सेगमेंट को पढ़ा करके, कल्चर वाले पोर्शन को भी और हिस्ट्री वाले पोर्शन को भी, और टारगेटेड बैच है तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम यहाँ क्लास आपको देंगे। दूसरा ये है कि 2011 से लेकर के 2021 तक और 2018 से लेकर के 2021 तक IAS PCS के जितने भी प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं इस एंशिएंट इंडिया के सेगमेंट से, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इससे लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो भी चीज़ें हम आपके साथ यहाँ करने वाले हैं उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये एंशिएंट इंडिया का जो सेगमेंट है, इस एंशिएंट इंडिया के सेगमेंट में हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे प्रीलिम्स के बेस पे, हम आपका प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, हम आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और अपकमिंग एग्जाम जो है जून में, 5 जून को IAS का और 12 जून को PCS का, इन एग्जाम्स में जितने भी संभावित क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल समय मत गंवाइए, अगर आपको रियलिटी में इस एग्जाम में बैठना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसे ही लगातार क्लासेस आपके लिए संचालित करते रहेंगे।
जैसे कि अभी हमने यूट्यूब पे आज से एक क्लास लाइव आना स्टार्ट किया है, रोज प्रातः 11 बजे से एक हिंदी की लाइव क्लास यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली हम चला रहे हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पे चलती है। तो यूट्यूब चैनल पे रोज 11 बजे से सी सेट के पोर्शन हिंदी को हम लाइव आकर के आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और ऐसे ही लगातार क्लासेस हम आपको अपकमिंग एग्जाम प्री के लिए देते रहेंगे। तो ये बैच हमारा 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एडमिशन स्टार्ट है, आप इसमें एडमिशन लीजिए, अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को सिक्योर करिए। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर जो हमारे हैं, इन नंबरों पे आप हमें, ये जो हमारे दिए गए नंबर हैं इन नंबरों पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस पे आकर के आप सेंटर विजिट कर सकते हैं और यहाँ आकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विश्वास मानिए कि हम आपके लिए बहुत बेहतर करने की प्रक्रिया में हैं, आप जितना बेहतर हमसे करा सकते हैं हम आपके लिए तैयार हैं। तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए, 9 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली की सुपर फैकल्टी अनिल सर के साथ। तो आप आइए, क्लास करिए, अपना आंसर राइटिंग करिए, अपना टेस्ट सीरीज करिए, अपना एवोल्यूशन करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है अपकमिंग एग्जाम को लेकर के, तो पूरा इंस्ट्रक्शन, पूरा सहयोग देने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आप मिलेंगे इस 9 तारीख में के बैच में, अपने एग्जाम में अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करने के लिए। धन्यवाद।